नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजिशन प्रापोजिशन होती क्या है द वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ वर्ब और एडजेक्टिव प्रपोजिशन है नाउन प्रनाउन को कनेक्ट करने वाला किससे कनेक्ट करता है ये वर्ब और एडजेक्टिव को प्रपोजिशन क्या है ये एक वर्ड है यो ना जो नाउन और प्रनाउन को कनेक्ट करता है वर्ब और एडजेक्टिव के साथ राइट लिसन अगेन की प्रपोजिशन क्या है ये एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन तो आपको पता है नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है वर्ब और एडजेक्टिव के साथ उसको बोलते हैं प्रापोजिशन वी विल डू सम एग्जाम्पल्स टू क्लियर प्रापोजिशंस राइट आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रापोजिशन एंड विल एक्सप्लेन वेयर दीज प्रशंस आर यूज्ड हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि इन प्रपोजिशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है सो फर्स्ट प्रपोजिशन इज़ ऑन ओ एन ऑन तो ये ऑन प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है ऑन प्रपोजिशन यूज़ होती है इट रेफर्स टू अ सरफेस ऑफ समथिंग। आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल जैसे कि मैंने कोई चीज़ टेबल के ऊपर रखी टेबल के ऊपर उसके लिए प्रपोजिशन यूज़ करते हैं हम सेकेंड अगर हम किसी स्पेसिफिक डे या डेट को शो करते हैं जैसे कि आई विल कम ऑन मंडे तो ऑन यूज़ किया ना मंडे के साथ ऑन मंडे स्पेसिफिक डे या डेट तो मंडे क्या था डे तो और नेक्स्ट डेट के साथ भी होता है जैसे राधा वाज बॉर्न ऑन के किसी का बर्थ है तो आई आई वॉज बॉर्न ऑन दिस तो डेट के साथ भी हम ऑन यूज़ करते हैं डे के साथ भी ऑन यूज़ करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ऑन रेफर्स इट रेफर्स टी वी और अदर डिवाइज शी इज़ ऑन द फ़ोन शी इज़ ऑन द फ़ोन कि जैसे वो फ़ोन यूज़ कर रही है फ़ोन पे है ठीक है माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टी वी नाउ कि जो मेरी फेवरेट मूवी टीवी टी वी के ऊपर आ रही है ऑन द लेकिन टी वी के ऊपर नहीं हम बोलेंगे लेकिन इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं ऑन द टी वी टी वी में आ रही है राइट नेक्स्ट ऑन शो होता है इट रेफर्स टू द बॉडी पार्ट्स आई कीप वियरिंग माई वेडिंग रिंग ऑन माई फिंगर कि मैंने अपनी फिंगर में वेडिंग रिंग डाल ली सो so, ऑन जो वर्ड है प्र है इसको हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करते हैं आपने चाहना होगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सी हम प्रेपोजिशन किस फॉर्म में सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज कर सकते हो राइट नेक्स्ट वी हैव एट प्रपोजिशन तो एट कैसे यूज करते हैं फर्स्टली एट यूज होता है टू इंडिकेट अ प्लेस किसी प्लेस को शो करने के लिए जैसे देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल एट द पार्क पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं एट रेफर होता है ई मेल एड्रेस के लिए आपको पता है ई मेल एड्रेस क्या होता है जैसे हम किसी को मेल करते हैं तो वहाँ लिखते हैं ऐट द जी मेल डॉट कॉम ऐट द याहू डॉट कॉम उस एट के लिए यूज़ करते हैं तो जी मेल वाला ऐट कैसे डलता है ए डाल के उसके साइड में सर्कल होता है उसको ऐट बोलते हैं आप अगर कीबोर्ड में अपने फ़ोन की कीबोर्ड में भी चेक करोगे तो आप अपने मदर से फादर से पूछ सकते हो कि इसमें ऐड कहाँ है जहाँ पे न्यूमेरिक नुमेरिक की होती है ना नंबर्स होते हैं वहीं पे ए के साथ ए को राउंड किया होता है कि साइड में सर्कल सा होता है कंप्लीट नहीं होता ओपन सर्कल होता है नेक्स्ट ऐड शो करते हैं टाइम के लिए जैसे मैं बोलूँगी मीट मी एट फाइव पी क्या मेरे को पाँच बजे मिलना राइट right? एट शो होता है किसी एक्टिविटीज को शो करने के लिए जैसे कि जोहन लाफ्ट एट माय एक्टिंग इन द प्ले ठीक है लाफ्ट के साथ एट राइट सो इट डिपेंड्स अपॉन पॉन सेंटेंसेस के आपने एट को कैसे यूज करना है नेक्स्ट भी है पहले हमने ऑन प्रेपोजिशन की है फिर ऐट किया तो नेक्स्ट है इन इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू इंडिकेट अ लोकेशन किसी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए कि आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस नाउ इन माई फ्रेंड्स प्लेस राइट नेक्स्ट इन यूज्ड वाइल डूइंग समथिंग हम कुछ कर रहे हैं तब द टैगलाइन शुड बी कैची इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और इन यूज़ करते हैं हम किसी फीलिंग को इंडिकेट करने के लिए जैसे आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग ये मैं हार्ड वर्किंग में बिलीव करती हूँ आई बिलीव इन और इन यूज़ होता है डे को स्पेसिफाई करने के लिए मंथ को सीजन को और ईयर को एग्जांपल आई प्रेफर टू डू मैथ्स इन द मॉर्निंग इट डिपेंड्स अपॉन इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग राइट नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम इनको किसी कलर शेप और साइज को इंडिकेट करने के लिए जैसे दिस क्ला दिस ड्रेस कम्स इन फोर साइजेज ये कोई ड्रेस है फोर साइजेस में आती है मे के लिए जहाँ और आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस किस फॉर्म में दिया गया है राइट नेक्स्ट वी हैव टू टू भी हम अलग अलग वे से यूज़ करते हैं फर्स्ट है, First है टू कैसे यूज़ करेंगे टू इंडिकेट द डायरेक्शन और प्लेस किसी डायरेक्शन या प्लेस को इंडिकेट कर करने के लिए जैसे द फ्रेंड्स वेंट टू द रेस्टोरेंट के फ्रेंड कहाँ गया वेंट टू गया टू द रेस्टोरेंट तो डायरेक्शन बताइए ना किस डायरेक्शन में गया रेस्टोरेंट साइड में गया और नेक्स्ट टू इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप को शो करने के लिए जैसे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द अनॉइंग पर्सन के जो पर्सन गुस्सा करते हैं उसको रिस्पॉन्ड मत करो ए टू रिस्पॉन्ड टू एंड योर आंसर इज इंपॉर्टेंट टू मी इंपॉर्टेंट के साथ क्या लगाया टू मी क्या आपका जो आंसर है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट लिमिट को शो करने के लिए द ओल्ड न्यूज पेपर्स वर पाइल्ड अप टू द रूफ ठीक है इसको पाइल करके इकट्ठे करके रूफ में रख दो पीरियड को भी रेफर करने के लिए शो करते हैं आई एम हेयर फ्रॉम टेन टू फाइव जैसे टाइम पीरियड फ्रॉम जैसे हमारा हमारी क्लास होती है नाइन टू ट्वेल्व तो हम यूज़ करते हैं ना टू नाइन टू ट्वेल्व राइट सो टू इस फॉर्म में भी यूज होता है नेक्स्ट वी हैव ऑफ ऑफ कैसे शो करते हैं टू इंडिकेट रिलेटिंग टू और बिलोंगिंग टू जैसे कि आई ऑलवेज इज़ ड्रेम्ड ऑफ फेमस बींग फेमस के किसी चीज को शो करने के लिए कि मेरा के मेरा हमेशा ये सपना रहा है कि मैं फेमस रहूँ फेमस बनूँ ऑफ टू इंडिकेट रेफरेंस दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई लास्ट बर्थडे जैसे हम दिखाते हैं ना किसी को पिक्चर तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई लास्ट ऑफ माई लास्ट बर्थडे और ऑफ हम शो करते हैं टू स्पेसिफाई द नंबर और एन अमाउंट जैसे अ गुड पर्सन ऑफ पीपल नंबर यूज़ किया ना कि इतने लोग गुड नंबर ऑफ पीपल अंडरस्टैंड हिंदी सो टुडे वी हैव डन सम सम्पोजिशंस हमने कौन कौन सी प्रपोजिशन की है इन कहाँ पे यूज़ करते हैं टू कहाँ यूज़ करते हैं ऑफ़ कहाँ यूज़ करते हैं हमने की है एट ऑन इन टू ऑफ एटसेट्रा राइट आई विल एक्सप्लेन अगेन वेन वी डू द प्रेपोजिशन सेक्शन ऑफ ग्रामर राइट इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सम प्रेपोजिशंस फॉर डूइंग क्वेश्चन नंबर टू नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हमने जो जो प्रपोजिशन समझी हैं उन्हीं को यूज़ करके नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ विद विद कहाँ यूज़ होती है इफ़ अ पर्सन और थिंक इज विद अनादर और डज समथिंग विद दैम दे आर टूगैदर और दे डू इट टूगैदर जब कोई पर्सन या कोई चीज किसी और के साथ होती है या उनके साथ कोई काम करती है जैसे आई लिव विद माई पेरेंट्स कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ साथ विद राइट right? और आई बी आई विद यू इन अ मोमेंट कि मैं अभी एक पल में भी एक पल में ही आपके साथ आ जाऊँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज हैविंग लंच विद द बॉस कि उसने अपने बॉस के साथ लंच किया राइट right? और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ प्रॉब्लम यू शुड डिस्कस विद योर टीचर कि प्रॉब्लम है तो अपने टीचर के साथ डिस्कस करनी चाहिए राइट दीज आर सम एग्जाम सम प्रापोजिशंस विच वी हैव डन कौन कौन सी प्रपोजिशन हमने की है ऐट टू ऑन ऑफ for and with right and now we are going to do question number 2 just imagine ki kaun kaun si prepositions mein aa sakti hai first is we are amazed dash the child's unusual courage ki hum us child ke unusual usual होता hai आम जो आम नहीं है उसके हौसले को उसकी बहादुरी पे हम amazed हैं हैरान हैं तो किस पे है चाइल्ड्स अन यूजल करेज तो वी विल यूज एट अमेज के साथ एट यूज अमेज के साथ क्या यूज़ करते हैं वर्ड अमेज्ड एट सेकेंड इज़ आई कम्प्लीटली एग्री डैश यू ऑन दिस मैटर कि मैं आपके साथ आपके साथ इस मैटर पे एग्री हूँ ऑन इज़ यूज ऑलरेडी ऑन ऑलरेडी यूज किया गया लेकिन वी हैव टू फिल फिलअप इन द गिवन स्पेस कि आई कम्प्लीटली एग्री विद कि आपके साथ इस मैटर में मैं एग्री हूँ सी इज लाइफ इज लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड डैश अ ड्रीम कंपेयर टू अ ड्रीम लाइफ हमेशा ड्रीम के साथ कंपेयर की जाती है डी इज सो वेन वी आर फीलिंग दीज वर्ड्स रिमेंबर द यूजेज ऑफ दीज प्रपोजिशन जब भी हम ये प्रापोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो उन प्रापोजिशन को आप माइंड में रखो कि टू हमने किस किस पोजिशन के लिए यूज़ करना था विद कौन कौन सी सिचुएशन के लिए यूज़ करना था और एट बी नेक्स्ट इज एयर इज मेनली कंपोस्ट डैश नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हमने एक प्रपोजिशन की थी ऑफ ऑफ का यूज़ किस किस के लिए किया था जैसे एयर इज़ मेनली कम्पोज ऑफ़ के एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है कंपोज्ड के साथ हमेशा हम ऑफ़ यूज़ करते हैं कंपोज्ड ऑफ राइट नेक्स्ट वर्ड इज़ ई पार्ट आर यू अवेयर डैश द लेटेस्ट चेंजेस इन द सिलेबस? क्या आप सिलेबस में जो लेटेस्ट चेंज हुई हैं उनको लेके अवेयर हो आपको नॉलेज है उस चीज़ की अवेयर ऑफ अवेयर के साथ अवेयर ऑफ नेक्स्ट इज़ एफ आ टी कैन बी ऑप्टेन्ड फ्री कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के साथ रिवाइज प्रैक्टिस के साथ आपको लर्न हो जाएंगे कि अवेयर के साथ ऑफ आता है फ्री के साथ ऑफ आता है लेकिन इस टाइम आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि ऑफ़ प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है एड कहाँ कहाँ यूज़ होता है नेक्स्ट इज़ जी वॉचिंग टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स कैन कॉज इंजरीज डैश वंस आइज कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए लगातार बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर टी वी देख रहे हो तो उसके साथ क्या हो सकती है आपकी किसी की भी वंस मीन्स किसी की भी आइज़ में इंजरी हो सकती है कि प्रॉब्लम हो सकती है सो वी विल यूज़ हेयर इंजरीज टू 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 वंस आइज नेक्स्ट इज़ एच पार्ट he was found guilty, dash, violating the traffic rules. he was found guilty. Gu means he was found guilty of. guilty of. now we will revise these sentences again to understand prepositions. first is amazed at, second is agree with, third compared to, fourth composed of. Fifth, aware of. Sixth, free of. Next, injuries to, guilty of. Right? So these prepositions depend upon the situation of sentence. Thank you.